नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बाबर आजम की आज गिनती दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में होती है। आज हम आपको इन दोनों खिलाड़ियों के अभी तक के कैरियर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की। इन्होंने अभी तक कुल 109 टेस्ट मैच, 274 वनडे, 115 टी20 मैच खेले हैं। कोहली ने टेस्ट में 48.73 के औसत से 8489 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनके 28 शतक और 7 दोहरे शतक हैं। वहीं हम बात करें वनडे मैच की, तो इन्होंने 57.32 के औसत से अभी तक कुल 12,898 रन अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें वो 46 शतक लगा चुके हैं। टी20 कैरियर की अब बात करें, तो इन्होंने अभी तक 52.74 के औसत से कुल 4,008 रन बना लिए हैं, जिसमें उनके नाम 1 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी बाबर आजम की। तो इस खिलाड़ी ने अभी तक 47 टेस्ट मैच, 100 वनडे मैच और 104 टी20 मैच खेले हैं। इन्होंने टेस्ट में 48.63 की औसत से अभी तक कुल 3,696 रन बना लिए हैं, जिसमें वो 9 शतक लगा चुके हैं। वनडे मैचों में इन्होंने अभी तक 59.17 की औसत से कुल 5,089 रन बना लिए हैं, जिसमें उनके नाम 18 शतक हैं। अब आखिर में हम बात करें टी20 मैच की, तो इन्होंने अभी तक 41.49 के औसत से कुल 3,485 रन बना लिए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक भी निकले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों बल्लेबाजों में से कौन सा बल्लेबाज बेहतरीन है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और क्रिकेट से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।